ओनोसापिन टाइम बम सभी अल्टरनेट बेंस को मिटा रहा था, तो किसी भी बेन के ओमनीट्रेस का सेफ्टी फीचर काम क्यों नहीं किया? आमतौर पर जब बेन बहुत बड़े खतरे में होता है तो ओमनीट्रेस उसे बचाने के लिए सही एलियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करवा देता है, या फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से बेन बच जाता है, जिसे हम ओमनीट्रेस का सेफ्टी फीचर कहते हैं। अगर ये फीचर बेन को हर खतरे से बचाता है तो क्रोनोसापिन टाइम बम के प्रभाव से ओमनीट्रेस ने उसे क्यों नहीं बचाया? इसे जानने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि सेफ्टी फीचर काम कैसे करता है। जब बेन खतरे में होता है तब ओमनीट्रेस ये जान लेता है कि ये खतरा कितना बड़ा है, क्या उसका यूजर इस खतरे से मर जाएगा? अगर यूजर के जान को खतरा है तो उसे कैसे बचाया जा सकता है? ये सब एनालिसिस करने के बाद ओमनीट्रेस तुरंत कोई स्टेप लेता है और उसका यूजर खतरे से बच जाता है। और क्रोनोसापिन टाइम बम के समय भी ओमनीट्रेस के सेफ्टी फीचर ने सिचुएशन को एनालिसिस कर लिया था। उसे तब ये बात पता चल चुका था कि बेन वापस जिंदा हो जाएगा, मतलब उसे ये बात पता था कि उसका यूजर परमानेंटली डेड नहीं होगा, सो इसीलिए उसने कोई स्टेप नहीं लिया। पर एक बात जरूर है कि ओमनीट्रेस फ्यूचर को जान लेता है, जैसे अनहर लग पड़ने के वक्त और बिलगेस क्रोमास्टोन को मारने के वक्त ओमनीट्रेस ने अपने यूजर को प्रोटेक्ट किया, तब भी उसे ये पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।